बॉलीवुड ट्रेंड के सभी दर्शकों को एस कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, सपनों की रानी हमारे बीच में आज हैं। दोस्तों, सपनों के सौदागर से राज कपूर के साथ बॉलीवुड में लॉन्च होने वाली हेमा मालिनी पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन गई। हर जवान व्यक्ति की धड़कन थी हेमा मालिनी, आज भी हेमा सबकी धड़कन है और वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बन गई। सच्ची इसके बारे में कहा गया है इस गाने में, किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। सही में हेमा मालिनी किसी झील का कंवल है, किसी शायर की गज़ल है। और हेमा मालिनी ने तो हमेशा यही कहा, मोरनी मैं जंगल की मोरनी, सच में मोरनी तुम नाचती रहो, लोगों का दिल बहलाती रहो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा कायल है, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारे रूप का हेमा जी के बारे में कहना ही क्या। जब ये बसंती बन जाती हैं और लगता है कि कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, और भी हसीन हो जाती है। लेकिन बिना रूठे ही हेमा जी ने वो रंग बरसाया बॉलीवुड पे, दर्शकों के दिलों पर वो राज करती रहीं, वर्षों तक राज किया और बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार महिला कलाकार कही जाने में कोई शक नहीं है। न सिर्फ ड्रीम गर्ल थी और इनके पीछे लाखों लोग भी पड़े रहे। बॉलीवुड के एक से एक हीरो, चाहे वो संजीव कुमार हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, क्रिकेटर जैसे वेंकट राघवन हो, सब इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने शादी की तो धर्मेंद्र के साथ, और धर्मेंद्र के साथ जट यमला पगला दीवाना करते हुए ये धर्मेंद्र जी के साथ अभी भी उन रहती हैं और उनकी दूसरी पत्नी बनना इन्होंने स्वीकार किया। प्यारी पत्नी जिनकी दो बेटियां भी हैं, सा देओल और आहाना देओल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।